जय श्री राम दोस्तों। तो फिलहाल आप लोगों को पता ही है, कल मैंने लिया था आईफोन 13 256 का। और भाई बहुत ही अच्छे प्राइस में मिला, मैं मानता हूँ कि अच्छे प्राइस में मिला, लेकिन मुझे इसको बहुत ज़्यादा टेस्टिंग करनी, क्योंकि जिस तरीके से मुझे जिस वैल्यू पे जिस पैसे से जिस प्राइस में मिला है, वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, उसके हिसाब से मुझे टेस्ट करना था। तो फिलहाल देखिए 11 बज रहे हैं और मैंने तकरीबन देखिए 9:12 पे 45 इसका बैटरी परसेंटेज था, और अभी तकरीबन 11 बज रहे हैं, यानी 11:15 है। और एक सेकेंड में आप लोगों को टाइम भी दिखाई देता हूँ, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली यूट्यूब की वीडियो देख रहा था, वहां पर ये अल्ट्रा वॉच उन्होंने गिफ्ट दिया था। ये देखिए इस पे दिखा रहा है 11:07 दिखा रहा है, इसके ऊपर साइड दिखा रहा है, बाकी कहाँ पर आता है यार, तो कुछ टाइम इस पे ठीक से दिखा नहीं रहा है, ऐसा ही कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब इसको इस्तेमाल करने की पता नहीं है। मोबाइल से कनेक्ट होने के बाद शायद एक्यूरेट टाइम दिखाएगा। ये फिलहाल स्विच ऑफ है, मैं तकरीबन इसको 9:12 से अभी तक 11:10 तक इसको यूज कर रहा हूँ, यानी कि मुझे लगभग लगभग यार 45% पे 2 घंटे कंटिन्यूसली इसने मुझे बैकअप दिया है, और बहुत ही अच्छा मानता हूँ मैं। 45% बैटरी था और 2 घंटे का कंटिन्यूसली यूट्यूब पे स्ट्रीम करना, क्या स्ट्रीम कर रहा था कि मैं जो एक अक्षय कुमार का मूवी है 2010 में आई हुई एक्शन रिप्ले मूवी का, अच्छा है ठीक ठाक है मूवी, वो मूवी देख रहा था और कुछ सॉन्ग भी सुने मैंने, तब अभी तक इंटरनेट चलता हुआ और अभी तक मैंने इसको इस्तेमाल किया। अभी इसकी बारी ये है कि मैं अभी इसको टेस्टिंग करने वाला हूँ कि कितने घंटे में, यानी कि कितने घंटे में इसको फुल चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा वो देखने वाला हूँ, और मैं अभी इसको कितने घंटे में ये चार्जिंग फुल होगा वो देखना पड़े देखेंगे अभी क्या है? रात के 12:30 तक क्या ये फुल हो सकता है, 1.5 घंटे में कितना टाइम लगेगा। और मैंने ये आप लोगों को दिखाई है अडेप्टर, जो कि मैंने 1500 रुपये में उसी शॉप से लिया है, केबल वगैरह सब कुछ उसी शॉप से, और उन्होंने 100% ओरिजिनल करके दिया हुआ है। तो देखते हैं इस पे 20 वाट अडेप्टर के साथ अपना आईफोन 13 कितने घंटे में कितने मिनट में चार्जिंग फुल होता है उसके टेस्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर करते हैं प्लग इन, बस उम्मीद है कि ये बराबर जल्दी से चार्जिंग हो जाए। और यहाँ पर मैं इस वॉच में टाइमर भी लगा दूंगा अभी फिलहाल के लिए। और भाई कभी भी आपको चार्जिंग लगाना है ना, तो भाई प्लीज़ कवर, आईफोन का बैक कवर रिमूव करके लगाना, क्योंकि बैटरी हेल्थ जो है उसकी ड्रेन होने की चांसेस रहती है, क्योंकि हीट बहुत होता है यहाँ पर, तो उस कारण से इसको हवा के अंदर हवा जाना चाहिए, हवा मतलब हवा लगनी चाहिए मोबाइल को, तो उसके हिसाब से आपको इसकी कवर रिमूव करके इसको चार्जिंग डालना है। ये कवर रिमूव हो गया है और कवर को रख देंगे यहाँ पर साइड में, और इसके अंदर टाइमर भी ओपन कर देंगे हम, ठीक है। ये रहा यहाँ पर टाइमर, इसको ओपन कर दिया मैंने, और ये रहा अपना डिवाइस, इसको भी अभी चार्जिंग लगा दूंगा, ये स्विच ऑन होगा, इसको प्लग इन करते इसके अंदर, और ये रहा यहाँ पर, जैसे ही ये स्टार्ट होगा इसको भी स्टार्ट कर देंगे, ये टाइमर चालू हुआ, ये मोबाइल ये रहा, इसको हवा खेले इसके लिए ऊपर ऐसा रखता हूँ, और इसको भी ऐसा रख देते हैं, और ये रहा अपना, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है चार्जिंग होना, पूरा का पूरा 0% हुआ है, यानी कि तकरीबन 2 घंटे चली है, और यहाँ पर देख सकते हो 1% दिखा रहा है, और 11:11 टाइम हो रहा है, 11:11। तो देखते हैं ये कितना टाइम दिखाएगा बाद में और ये कितना टाइम दिखाएगा, चलिए अभी फिर से देखते हैं। मतलब अभी बज रहे 11:30, ये स्विच ऑफ हो चुका था, टाइमर लगा रहता तो पता नहीं इसका क्या है, अलग ही मजरा, ये देखिए 11:30 है, ये फेल हो गया मतलब समझ सकते हो। और अभी इसको भी चेक करते हैं, ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो चुका है, आपने जब देखा था 11:11 हो रहे थे और 1% पर था, तो अभी फिलहाल ये है 18% पे और 11:30 हो चुके हैं,
यानी कि लगभग आप लोग मान सकते हैं कि 21 मिनट बीत चुके हैं, 21 मिनट कैसा 19 मिनट बीत चुके हैं और अभी यहाँ पर 18% हुआ है चार्जिंग। देखेंगे और कितना टाइम ले पा सकता है ये, और थोड़ा बहुत ये बिल्कुल कूल है, हीट नहीं है बिल्कुल, हाँ मतलब गर्म नहीं हुआ है मोबाइल। और बात करें चार्जर की तो चार्जर भी थोड़ा बहुत गर्म लग रहा है, मोबाइल बिल्कुल कूल है, ये हॉट है और ये भी थोड़ा हॉट है। और देखेंगे थोड़ा और इंतज़ार करेंगे, रात के 1 बजे तक मैंने इसको टाइमिंग दिया है, देखेंगे कब तक फुल होगा, वरना कुछ चार्जर में इशू होगा, वरना इसमें कुछ इशू आ सकता है, चेक कर देंगे। तो भाई अभी हो चुके हैं लगभग 12:11, यानी कि 1 घंटे हो चुके हैं, 1 घंटे में कितना हुआ है देखेंगे, और बार बार चेक करना पड़ रहा है अभी, कि पहले ये फ्लाइट मोड में नहीं था, 18% के बाद मैंने इसको फ्लाइट मोड में डाला है ताकि ये तेज़ी से चार्जिंग हो पाए। तो यहाँ पर देखिए फ्लैश हो रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है क्योंकि वहाँ पर सेंसर है, फेस आईडी का वो यूज़ हो रहा होगा। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर 54 दिखा रहा है, यहाँ पर देख सकते हो 54% हुआ है, यानी कि पूरा का पूरा 1 घंटे बाद अभी सिर्फ 54% चार्जिंग हुआ है। 1 घंटा बहुत होता है, लेकिन फिर भी यार पता नहीं, ये लगभग मुझे लग रहा है कि 2 घंटे लेगा ही लेगा, और इंतज़ार करते हैं। और जैसे कि मैंने कहा था रात के 1 बजे तक ये फुल हो सकता है, देखेंगे इसको पूरा का पूरा 100% तो नहीं करेंगे, 95 तक तो करूँगा, लेकिन 95 तक तो कम से कम 2 घंटे लेगा ऐसा लग रहा है। अब फिर से देख लीजिएगा यहाँ पर टाइम हो रहा है 11:12:12 हो रहे हैं, 1 घंटा हो गया टाइम। तो भाई देखते हैं टाइम कितना बज रहा है, लगभग 5 मिनट कम है रात के 1 बजने से, और इसकी देखते हैं 84% हुई है चार्जिंग, देख सकते हो यहाँ से, ये देखिए 84% और टाइमिंग है लगभग 1 बजने आ चुके हैं। लगभग अभी हमें बस कुछ 14 या फिर 15 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा तकरीबन टोटली 2 घंटे कंप्लीट होने के लिए। भाई बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है, मुझे क्या चार्जर में गड़बड़ है या मोबाइल में या केबल में, इसके बारे में तो पता करना पड़ेगा, लेकिन इसको कितने घंटे में और चार्जिंग फुल होगी उसको तो इंतज़ार तो करेंगे, लेकिन भाई बहुत टाइम ले रही है यार। आप लोग कमेंट में बताना किसकी क्या प्रॉब्लम हो रही है। चलिए भाई अभी आखिरी बार देखते हैं, रात के तकरीबन 1:20 हो रहे हैं, यानी कि लगभग अभी 2:10 चार्जिंग डाल के हुए, अभी भी मैंने चेक नहीं किया है कितना क्या हुआ है। और इसमें लाइट देखते, ये देखिए 1:21, यानी कि हमने डाला था 11:11 में, तो लगभग 2:10 हो चुके हैं, और इसका चार्जिंग अभी भी कम्प्लीट नहीं हुआ है, देखिए अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, 93% है, और फ्लाइट मोड भी आप लोगों को बाजू में ही दिख रहा है कि नहीं। तो भाई 2:10 बाद भी अगर ये फ़ोन चार्जिंग नहीं हो पा रही है पूरे 100%, तो भाई आप लोग बताना कमेंट में इसमें क्या दिक्कत है, और मैं इसके बारे में तो जानकारी निकालूंगा चार्जर के बारे में कि क्या चार्जर कुछ है या चार्जर में कुछ गलतियां हैं क्या है, सब कुछ निकालेंगे। और फिलहाल मोबाइल को भी चेक करते हैं कि ये गर्म हुई है या नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोल है ये, बिल्कुल गर्म नहीं है। लगभग 2:10 चार्जिंग करने के बाद भी बिल्कुल मोबाइल गर्म नहीं हुई है। अगर आप केस में डाल के चार्जिंग करते हैं तो कुछ समय में बहुत ज़्यादा गर्म भी हो सकती है, तो वो साइड इफ़ेक्ट पड़ता है बैटरी के ऊपर, इसलिए केस निकाल कर ही आप लोग चार्जिंग किया कीजिए। और बाकी अगले वीडियो में देखते हैं हम इसके बारे में क्या क्या डिसीजन ले पाएंगे, क्या क्या कर सकते हैं देखेंगे। और रात की बहुत रात हो चुकी है, अभी तक इंतज़ार करता रहा मैं आप लोगों के लिए, अभी तक सच में बता रहा हूँ रात की 1:21:22 हो गया अभी, और बहुत मुश्किल से, थोड़ी सी मुश्किल यानी कि जाग जाग कर अभी वीडियो बनाया मैं। तो मैंने कितना बजे डाला था, 11:11 में, और कंप्लीट हुआ, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ, बिल्कुल 100% कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि मैं इसको कभी भी मोबाइल को सपोर्टर रहता है अंदर से कि वो 100% चार्जिंग होने के बाद ओवर चार्ज ना हो मोबाइल को किसी को भी, लेकिन मेरा मानना है कि मैं कभी भी अभी तक मेरी इस फ़ोन को भी मैंने 100% चार्जिंग कभी नहीं किया है, लगभग 90% या फिर 95% से नीचे ही मैं चार्जिंग करता हूँ मोबाइल को, आप भी ऐसा ही किया कीजिए। और फिलहाल मैं इसको 93 पे निकल चुका हूँ, और 2:10 तक चार्जिंग हुआ है इसको, और पूरी कंप्लीट 100% नहीं हुई है, आप लोगों को मैं प्रूफ के साथ दिखाया है। बस ये
वॉच का पता नहीं, वॉच आधे घंटे में मतलब कुछ 10-20 मिनट में ही शायद स्विच ऑफ हो गया होगा जब मैंने टाइमर स्टार्ट किया था उसमें, पता नहीं क्या हुआ उसको, इसलिए उसको मैंने चार्जिंग डाल दिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा ऐसा, तो ऐसा नीचे ऊपर होता है। तो आप लोगों को ये चार्जिंग टेस्ट कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट बताना। और बहुत सारे लोग जो अपने वीडियोस देखते हैं 92% से भी ज़्यादा वीडियो देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, और सिर्फ 8% है जो चैनल को सब्सक्राइब किए हुए लोग वीडियोस देखते हैं। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसमें से 50% भी सब्सक्राइब हो गए तो अपना भी घर बस जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे ही और मज़ेदार व्लॉग में। बाय बाय। Oh, 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 oh